नमस्कार सकाल 8 अपडेट खबर सह आपको स्वागत करुच्छे मुझ शक्ति बुलेटिन आगे बढ़ेगा कि प्रथम देखने कौन रही वर्तमान हेडलाइंस। आज पवित्र रामनवमी किंतु कोविड कटकणा भक्तों दर्शन उपर लगी रोक मंदिर गुड़िक केवल रीतनीति अनुसार चली पूजा अर्चना चिंता बढ़ाउछन्ते कुंभमेला फेरंता कटक रेल स्टेशन ने परीक्षा परे 15 पॉजिटिव ट्रेन रे आहुरी अनेक श्रद्धालु कटक आसुथिबा सूचना। आईएएस विनिल कृष्णा अपहरण मामलार मास्टरमाइंड कला आत्मसमर्पण आंध्र पुलिस डीजीक निकट में सरेंडर कला टॉप माओ नेता कृष्णा मुंड ऊपर थिला 20 लाख टंकार पुरस्कार 38 जवान को मृत्यु एवं अस्त्रागार लूट मामलार थिला संपूर्ण। कोरोना विरोध लड़ई में प्रधानमंत्री मोदी मंत्र कठिन परिस्थिति में धैर्य सह सटीक निष्पत्ति जरूरी श्रमिकों विश्वास बजाय रखु राज्य सरकार देश को लॉकडाउन रो बचाइवा दरकार। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक कोविड स्थिति समीक्षा हॉस्पिटल रे अधिक शज्या प्रस्तुत रखा ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम त्वरान्वित करने को निर्देश प्रवासी फेरुवर आलर्ट रहा जिलापा परामर्श। राज्य में काम करूनी 3T एक्शन प्लान पूर्व दिन को 60,000 टेस्ट एवं 40,000 छुनी पश्चिम ओडिशार 7 जिलार बढ़ुच्च संक्रमण पॉजिटिव रेट 5% भितर रखा परामर्श देते प्रधानमंत्री। असह्य हो जल कष्ट बलांगीर मयूरभंज में पापाई हाहाकार गोटे नलकूर नाली पा उपर 1600 परिवार भरसा ग्राउंड जीरो देखा अर्गस रिपोर्ट। विस्तृत खबर को जहां प्रथम बड़ खबर आसूची जे आत्मसमर्पण करछि टॉप मानता कृष्णा उर्फ एल जलंधर रेड्डी विनिल कृष्णा अपहरण मुख्य कारपटदार थिला एही कृष्णा जंतुराई ठारे एक कलभट निकटू गन पॉइंट रे विनिल कृष्णा को आखिरे कला पट्टी बांधी अपहरण करनीतिला कृष्णा और मुक्ति समय आयोजित प्रजाकूट रे मध्य मुख्य भूमिका निभैथिला कृष्णा। सेपरे 2008 बालीमेला जलभंडार स्थित अलंपका लंच उपर आक्रमण 38 ग्रेहाउंड जवान का हत्या मामलें मुख्य भूमिका तुलाईता ही बाहर नेता 2004 कोरापुट अस्त्रागार लुट मामलें मध्य संपृक्त थिबासह आंध्र रे मध्य बड़ हिंसा घटाइथिबा अभियोग रही विरोध में तेरे माओ नीति आदर्श विमुख होगासह स्वाभिमान अंचल पुलिस मात्राधिक कार्यानुष्ठान जो गत आंध्र प्रदेश अमरावती ठारे पुलिस डीजीपी डीजी साउं निकट आत्मसमर्पण कर माओनेता कृष्णा। आज पवित्र रामनवमी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्रंकर जन्मोत्सव पालन करुछि सारा हिंदू समाज। आज दिन में पाप रक्षा पाई धरापृष्ठ को अवतरण करिथिले भगवान श्री रामचंद्र। भारतीयों पाई ए दिनर महत्व बेस गुरुत्वपूर्ण। भगवान श्रीराम जन्मदिन पालन नहीं सारा देश उत्सव मुखर किंतु चलित बर्ष जेहेतु कोरोना कटकणा रही उत्साह पूर्व वर्ष अपेक्षा फिका पड़ जा घरे रही रामनवमी पालन करुछंती लोके कारण अधिकांश राज्य में मंदिर गुड़िक कटकणा लागू कर मंदिर में भक्तंकर दर्शन निषेध कर सामान परिस्थिति मंदिर गुड़िक केवल रीति अनुसार पूजार्चना चली किंतु भक्त मान दर्शन उपरे रोक लगा जाए छी। परवर्ती खबर को जी चिंता बढ़ाई कुंभमेला फेरंता कटक रेल स्टेशन गला दुई दिन भितर 15 जन कुंभमेला फेरंता संक्रमित को चिन्हट कर बेले ट्रेन में आहुरी अनेक श्रद्धालु कटक आसुवा सूचना मिली आसुवा समस्त श्रद्धालु आरटीपीसीआर परीक्षा व्यवस्था कटक स्टेशन रे करा जाई दुई दिन में 63 जन कुंभमेला फेरंता कटक रेल स्टेशन रे ओल्लाइता बेले से 15 जन कोविड संक्रमित चिन्हट होती मान समस्ते हैं कटक सहर बासिंदा आक्रांतों मध्य मधुपाटना कल्याणी नगर मध्य 8 जन पॉजिटिव चिन्हट होता बेले विद्याधरपुर फुलनखरा कलेज छक अंचल 7 जन संक्रमित चिन्हट होती सेना जन को सद्गुरु हॉस्पिटल 6 जन को होम आइसोलेशन और 6 जन को बोस्कोविड केयर
सेंटर को पठाई दिया जाए छी। दिनकु दिन कोरोना संक्रमण वृद्धि पाउथिबारु सरकार राज्य बाहर को जाउथवा बस गुड़िक उपरे कटकणा लगाइछन्ते। यहाँ को न मानिले सेमानक विरोध में दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण पई अधिकारी को निर्देश देइछन्ते। हेले सरकारी नियम को बस गुड़िक मानु नाहांती। ए नियम को मानि नथिबारु बाबामणि बस को सीज करिछन्ते वासुदेवपुर तहसीलदार। लमतापुट पुलिस राति पेट्रोलिंग समय अनका डेली अंचल उत्तर प्रदेश को चालाण होता गंजे धरा पड़ी। कंग्रापड़ा छक निकट पुलिस हाथ में धरा पड़ी गंजे भर्ती एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी। तासह उत्तर प्रदेश अंचल चारि जन को गिरफ्त कर गंजे चालाण व्यवहृत स्विफ्ट डिजायर गाड़ी को लमतापुट पुलिस जबत करने गाड़ी 102 केजी 400 ग्राम गंजे जबत कर जबत गंजेर आनुमानिक मूल्य 350,000 टंका हेबो बोली पुलिस सूत्र जना पड़ी। कोरोना विरुद्ध लड़ाई रे विजयर मोदी मंत्र कठिन परिस्थिति रे धैर्य सह सठिक निष्पत्ति जरूरी बोली कहिछंति प्रधानमंत्री। श्रमिक माने जेउठी अछंति सेठारे रुहंतु श्रमिकक विश्वास बजाय रखंतु। राज्य सरकार सचेतनता सृष्टि करबा को आगे आसंतु। छोटो छोटो पिला सांप्रतिक परिस्थिति रे देश को लॉकडाउन रूप बंचाइबा दरकार। लॉकडाउन को अंतिम विकल्प भाव रे रखंतु राज्य सरकार। कोरोना विरुद्ध लड़ाई रे विजय रो मोदी मंत्र कठिन परिस्थिति रे धैर्य सह सठिक निष्पत्ति जरूरी। श्रमिक माने जेउंठी अछंति सेठारे रुहंतु श्रमिकक विश्वास बजाय रखंतु राज्य सरकार सचेतनता सृष्टि करिबारे आगे आसंतु। छोटो छोटो पिला सांप्रतिक परिस्थिति रे देश को लॉकडाउन रो बंचाइबा दरकार। लॉकडाउन को अंतिम विकल्प रखंतु राज्य। कोरोनार द्वितीय लहरी प्रधानमंत्री देशवासी को संबोधन करवासी को धैर्य सहित कोरोना विरोध में लड़ाक आह्वान देते प्रधानमंत्री। कोरोना विरोध में देश आज बड़ युद्ध लड़ुची। कोरोना द्वितीय लहर बात्यापरी माड़ आसी कठिन परिस्थिति रे धैर्य सह सठिक निष्पत्ति दरकार। श्रमिक माने जेउठी अछंती सेठारे रुहंतु। राज्य सरकार गुड़िक श्रमिकक विश्वास बजाय रखंतु। श्रमिक मानको निज निज स्थान रे खूब शीघ्र टीका प्रदान करा जिवो। सेपरी सचेतन रहिले लॉकडाउन रो आवश्यकता पड़िबनी। देश को लॉकडाउन रो बंचाइबा दरकार। लॉकडाउन को अंतिम विकल्प भाबे राज्य गुड़िक रखंतु बोली कहिछंती प्रधानमंत्री। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हम सही निर्णय लें, सही दिशा में प्रयास करें, तभी हम विजय हासिल कर सकते हैं। राज्यों और केंद्र सरकार के प्रयासों से श्रमिकों को भी तेजी से वैक्सीन मिले लगेगी। मेरा राज्य प्रशासन से आग्रह है कि वो श्रमिकों का भरोसा जगाए रखे। उनसे आग्रह करें कि वो जहां है वहीं रहे, कि वो जिस शहर में है वहीं पर अगले कुछ दिनों में वैक्सीन भी लगेगी और उनका काम भी बंद नहीं हो। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है और माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रित। देश में ऑक्सीजन रो चाहिदा बढ़ी बढ़ी चली। ए दिगरे संवेदनशीलता सहित काम करुछंती सरकार। समस्त गुरुतरों को ऑक्सीजन जोगाजिबो बोली प्रधानमंत्री कहिछंती। देशर फार्मा कंपनी गुड़िक पूर्व तुलना में उत्पादन वृद्धि करछंती। मेडिसिन उत्पादन पई समस्त सहाय्य निया जाउछी। सबुठ सस्ता वैक्सीन भारत पाखरे अछी। कोरोना संकट में देश के अनेक हिस्से में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है। इस विषय पर तेजी से और पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया जा रहा है। ऑक्सीजन प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ाने के लिए भी
कई स्तरों पर उपाय किए जा रहे हैं। देश के फार्मा सेक्टर ने दवाइयों का उत्पादन और बढ़ा दिया है। आज दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन भारत में है। विश्व सबुठो द्रुत गति रे चली छि टीकाकरण भारत रे। मे 1 रु 18 वर्ष रो अधिक समस्त को टीका मिलिबो। उत्पादित वैक्सीन रो आधा राज्य गुडी को मिलिबो। इ समय रे केंद्र सरकार को पक्षर मध्य सरकारी हॉस्पिटल गुडी करे मागणा रे वैक्सीन उपलब्ध हेबो, जार लाभ देशर गरीब श्रेणी रो लोकन को मिलिबो। 1 मई के बाद से 18 वर्ष के ऊपर के किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेट किया जा सकेगा। अब भारत में जो वैक्सीन बनेगी उसका आधा हिस्सा सीधे राज्यों और अस्पतालों को भी मिलेगा। इस बीच गरीबों, बुजुर्गों, निम्न मध्यम वर्ग के लोग, 45 वर्ष की आयु के ऊपर के व्यक्तियों के लिए केंद्र सरकार का जो वैक्सीन कार्यक्रम चल रहा है वो भी उतनी ही तेजी से जारी रहेगा। पहले की तरह ही सरकारी अस्पतालों में मुफ्त वैक्सीन मिलती रहेगी, जिसका फायदा, जैसा मैंने कहा, हमारे गरीब परिवार हो, हमारे मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग के परिवार हो, वो उनका लाभ उठा सकेंगे। देशर द्वितीय लहरे प्रधानमंत्री देशवासियों को संबोधन करी कोरोना विरुद्ध लड़ाई रो विजय मंत्र देछंती। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। एबे एक गुरुत्वपूर्ण खबर आसुछि जे बरगढ़ जिलार गाईसिलट ब्लॉक रे हाथी आतंक देखिबा को मिलिछि एवं एतिरे 3 जणंकर मृत्यु होइथिबा पद्य खबर आसुछि। दंता हाथीर आक्रमण रे 3 जण प्राण हरायछंती। दरलीपालीरु जणे, उमराटरु 2 जण, नथापल्लीरु जणंकर मृत्यु होइथिबा सूचना मिलिछि। बरगढ़ गाईसिलट ब्लॉक राइसल पदर पंचायत उमराड़ गाँवर 3 जण व्यक्ति शौच करिबा को जाइथिया बेले हाथी आक्रमण शिकार होती। तो ये बरगढ़ जिलार खबर आसुची गाईसिलट ब्लॉक रे हाथी दंता हाथी आक्रमण रे 3 जणकर मृत्यु होई। दरलापाल्लीरु जणे एवं उमराटरु 2 जण प्राण हरायथिबा जहाँ सूचना आसुची। तो जहाँ खबर अच्छी जे उमराड़ गाँवर 3 जण व्यक्ति शौच हवा को जाइथिले एवं ए समय रे सेमानकु दंता आक्रमण करथिला एवं ए आक्रमण रे 3 जण प्राण हरायछंती। बरगढ़ गाईसिलट ब्लॉक रे हाथीर एभली उपद्रव, एभली आतंक देखा मिली। हाथी मणिष लड़े चित्र विभिन्न स्थानरु सामना को आसुची एवं वर्तमान जो भाई भाव खरा दिन जो जंगल भितर जलाशय गुड़िक सुखी जाऊँच तो खाद्य अभाव जो हाथी माने जनबसति मुहां होती पापाई खाद्य अन्वेषण रे एवं हाथी मनीष संघर्ष देखा मिली। एक दंता बरगढ़ गाईसिलट ब्लॉक रे आतंक खेल तार आक्रमण रे 3 जणकर मृत्यु हो संपर्क अधिक अपडेट पाई आम सहित फोन लाइन जोड़ी होती आम प्रतिनिधि आदर्श नाथ। आदर्श, कौन पूरा घटना, केमिति 3 जण एका संगे हाथी हाबुड़े पड़े और सेमानकर मृत्यु होला? आज जो सकाल अभावन घटना घटी बरगढ़ जिला गैसलेट ब्लॉक अंतर्गत राइसल पदक पंचायत उमर ग्राम सकाल प्राय भोर रे जो ग्रामवासी मैंने प्रकृत जो शौच हवा को जानते से समय गोटे दंता हाथी बाटबणा हो बिल मध्य पशि आट न पाई जो लोक मैंने शौच पाई बसते बाट न पाई एपट से दौड़ी पड़े जहाँफल हाथी आतंक शिकार होते एवं एथिरे हमर प्रश्न उठू कि प्रशासन पक्षर वर्तमान जो आप जानते किसी दिन पूर्व पद्म कृपखंड स्वर्गी बाहरी हाथी आतंक दु जन मृत्यु होता एथिरे प्रश्न उठू सत्य कि प्रशासन लोक सजग करना करूना मैंने प्रश्न सब उठू कारण अंचल हूँ सब बड़े हाथी चला पथ सत्य तेरे आदर्श से घटना पर ग्रामवासी कौन प्रतिक्रिया आसुची? निहाती भाव ग्रामवासी मान दुख रे वर्तमान अच्छा कारण एम जो तीन जन मृत्यु होती मान परिचय लोक घर को बुलाई आसते
ଏବଂ ସେମାନେ ବି ଜାଣିନଥିଲେ କି ଏପରି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିବ ଏବଂ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ କେବେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ କିପରି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବ ସେପରି କିଛି ମାନେ ସେପରି କିଛି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଟିକେ ଅଶାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଶକ୍ତି ଯୋଉ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ତ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବା ନେଇ ବା ସେଭଳି କୌଣସି ବନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଗାଁରେ କି ଏବଂ ହାତୀଟିକୁ ଦୂରକୁ ନେବା ପାଇଁ ବା ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ କିଛି ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି କି ହାତୀଟି ଏବେ କେଉଁଠି ଅଛି କିଛି ଜଣା ଅଛି କି ଆଦର୍ଶ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବନ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତଦନ୍ତତଃ ହାତୀ ଯିବା ପଥ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତୀ ଭିତରକୁ ପଶି ସାରିଲାଣି ଏବଂ ସୂଚନା ମିଳିଛି କି ହାତୀ ପୋଲ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ହାତୀ ବାଟ ବଣା ହେଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବାଟ ବଣା ହୋଇ ସେ ନିଜେ ସେ ଗ୍ରାମକୁ ପଶି ଆସିଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଦର୍ଶ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆଦର୍ଶ ନାଥ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କି ହାତୀ ଲଗାତାର ଭାବରେ ବରଗଡ଼ ଗାଇସଲାଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ଆଜି ସକାଳୁ ଏ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଗାଁକୁ ତିନି ଜଣ ଏବଂ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ହାତୀର ଉପଦ୍ରବ ବିଷୟରେ। ଶୌଚ ହେବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ହାତୀ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ି ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୋକ ଏବଂ କ୍ଷୋଭ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଖାସ କରି ବନ ବିଭାଗର ଉଦାସୀନତାକୁ ନେଇକି ଲୋକମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଯିବା। ଆଜିଠାରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ହୋଇପାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲାବନ୍ଦ। ଏ ନେଇ ରାତି 8ଟାରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଭାରି ଜାରି ରହିଛି COVID-19ର ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି। କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଚେନ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ରେକ୍ ଦ ଚେନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ MBA ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ 2 ସପ୍ତାହ ତାଲାବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି। COVID-19 ମାମଲାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଗତକାଲି ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ 2 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରତିଦିନ 50,000ରୁ ଅଧିକ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ହେଉଛି ତେବେ ମୁମ୍ବାଇରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ ତା ଉପରେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର କାମଧନ୍ଦାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତିନିଧି ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ। ଗଗନ, ଯେଉଁଥିବା ଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗତକାଲି ଅପିଲ୍ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କୁ ଯେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଶେଷ ବିକଳ୍ପ ହେବା ଦରକାର, ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏଡ଼େଇବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି ଯେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ହୁଏତ ଆଜି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ସରକାରଙ୍କର, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରଙ୍କର କରୋନା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ। ତ କ'ଣ ଖବର ଅଛି ଯେ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଆଜି 8ଟାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ, ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି କି? ଶକ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଭର୍ଷା ଗାଇକ୍ୱାଡ ରହିଛନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ, ଗତକାଲି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ପରେ ସିଧାସଳଖ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ 50,000ରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଅଧିକ କେସେସ ଆସୁଛି, ପ୍ରତି ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲାକୁ କନେକ୍ଟିଭିଟି ରହୁଛି, ତା ଫଳରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ହେଇଯାଉଛୁ। କାହିଁକିନା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଉ ଆମର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆଇଟମ୍ ରହିଛି, ଦୁଗ୍ଧଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି, ତା ଆଳରେ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ବଢୁଛି, ଖାସ କରି ଅନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଉ ଅନ୍ତ ରାଜପଥା ଯେତିକି ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମାନେ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡିକ ଭିତରେ କନେକ୍ଟିଭିଟି ବଢୁଛି, ଏବଂ ଖାସ କରି ଯୋଉ ମୁମ୍ବାଇ ରହିଛି, ନାଗପୁର ରହିଛି, ଯୋଉଠି କରୋନା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆସୁଛି, ପ୍ରତିଦିନ 20,000ରୁ କେସେସ ଆସୁଛି, ଯୋଉ 4-5ଟି ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି, ତେଣୁ ସେସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡିକ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେମାନେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବେ ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ସେମାନେ କ୍ଲିୟର ମେସେଜ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଗତକାଲି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ପରେ। ଏବଂ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମେ ଜଣେଇ ସାରିଛୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
मुख्यमंत्री कौन नेबे मुख्यमंत्री संपूर्ण लॉकडाउन करिवे कि नाही तर ताकु नै कि गुडे प्रकार आज दिन तमाम प्रस्तुति हेबो ऑफिशियली स्तर रे मते आलोचना हेबो विचार विमर्श करा जीवो अत्यावश्यक सामग्री केते मौजूद अछि जदि बंद करा जीवो तार फल कोन पडिवो काईना सीधा सडक गुडे आर्थिक गतिविधि उपर इम्पैक्ट पडिवो बोली से माने मते विचार को नउचंती त या सत्वे दिल्ली गवर्नमेंट जेबळी भाबे स्टेप नैचंती त कोउटना कोउटी आउ टिके अधिक प्रेशर रे रहिचंती वर्तमान महाराष्ट्र सरकार हुए तो आज से माने जदि लॉकडाउन करचंती बा लॉकडाउन विकल्प कोन से माने भाबुचंती जदि लॉकडाउन करिवेनी ताने कोन तार विकल्प भाबुचंती त ये सब उपर निश्चित भाबे दिन तमाम अंक कसा जीव एवं संध्या पळे जो प्रेस मीट टाइम रखा जाइछि 8टा बेले निश्चित भाबे से माने जो राज्यवासी को अपडेट देबे जे से माने लॉकडाउन जदि करचंती केउ कौन पाई निष्पत्ति ने जो भाव अरविंद केजरीवाल कहले मो पाखे आईसीयू बेड 100 रु कम रही स्थिति संपूर्ण बिगड़ गला गत काली देखिले 14 टन ऑक्सीजन दिल्ली को इमरजेंसी क्षेत्र में केंद्र सरकार जोगई देले 500 रु अधिक जो रोग आक्रांत रही थे कोरोना आक्रांत से बहुत सीरीयस कंडीशन में थे तेणु 50,000 जो केसेस अच्छे महाराष्ट्र केत सीरीयस पेसेंट अच्छा तेणु ऑक्सीजन रो चेन रही आहरी द्रुत करने प्रधानमंत्री गत काली देश उद्देश्य जो मेसेज देले से राज्य डिमांड अनुसार आमे फुलफिल करिया पई चेष्टा करूचू तेणु निश्चित भाव केन्द्र को निश्चित भाव किसी से माने आउरी अपील कर पारती कहीं सोमवार जो बैठक होता जो रही कैबिनेट सेक्रेटरी केन्द्र कैबिनेट सेक्रेटरी बैठक होता से महाराष्ट्र डिमांड करते आमको आहरी टीकार आवश्यकता रही कहीं अनेक गुड़ी आम टीका सेन्टर बर्तमान बंद हो गला टीकार अभाव जो तेणु आहरी अधिक टीकार आवश्यकता रही खास कर ऑक्सीजन डिमांड महाराष्ट्र सरकार अधिक निड कर तेणु यह सब भितर सेन्टर जो से डिमांड चाहते से डिमांड अनुसार कौन तर बर्तमान स्टेप रही बर्तमान कौ कंडीशन से माने गति करुचंती सबू कथा निश्चित भाव टिकनिक भाव रखिए और लॉकडाउन करुचंती कि नाही ता सीधा जो भाव विभाग मंत्री माने कही महाविकास अगाड़ी सरकार तीनोटी गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन है तीनोटी दल रही शक्ति से उभय दुई दल एनसीपी कहतु कांग्रेस कहतु से सीधा साल मुख्यमंत्री को चाहते सीधा साल से हाथ उपरू कर तालाबंद आवश्यकता रही तेणु जदि तालाबंद हो संपूर्ण राज्य तालाबंद हम तार गाइडलाइन कौन रोते क्यों कौ सुविधा को से हाथ खोला करते पूरा प्रतबंधक लगुच्च अपेक्षा रही आठटा को बहुत बहुत धन्यवाद गगन सूचना पाई गगन विश्वाल आम प्रतिनिधि जो भाव में सूचना दूसरे कि आज कौन निष्पत्ति ने महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सारा देश नजर रही कारण गोटेपट प्रधानमंत्री अपील कर लॉकडाउन शेष निष्पत्ति हो पाए किंतु उद्धव ठाकरे सरकार सब पदक्षेप फेल मारी कोरोना को नियंत्रण करिवारे संपूर्ण विफल होती उद्धव ठाकरे सरकार तेणु बाध्य गत काली कैबिनेट जेहेतु मुख्यमंत्री को ये दायित्व अर्पण कर लॉकडाउन एक प्रकार निश्चित बोली कहुची कारण महाराष्ट्र में जदि जो भाई भाव स्थिति नियंत्रण बाहर को चली जा लॉकडाउन नहले स्थिति आहुरी विपज्जनक हो आशंका करा जाती है और से दृष्टि आज उद्धव ठाकरे लॉकडाउन घोषणा कर पारती सारा राज्य में सब हो बुलेटिन बर्तमान खबर को ये रखा नमस्कार।